देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड सुनामी के बीच भाजपा ने हिमाचल में जीत के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जनता ने छप्पर फाड़ समर्थन देते हुए एक बार फिर प्रदेश की सभी चारों लोकसभा सीटें पीएम मोदी की झोली में डाल दी हैं। रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए भाजपा ने लगातार दूसरी बार क्लीन स्वीप किया है। मोदी की आंधी में उड़ी कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। लोकसभा चुनाव में पहली बार सूबे के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा ने बढ़त हासिल की। मोदी की आंधी में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अपने गढ़ नहीं बचा पाए। हिमाचल में भाजपा के प्रत्याशियों को कुल मतों के करीब 70% वोट पड़े, यह भी नया रिकॉर्ड बना है। शिमला में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओकओवर में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ढोल नगाड़ों और पटाखे फोड़कर नाच गाकर बधाई दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी और ये बात आज सही साबित हुई है। उन्होंने बताया कि इस जीत ने एक इतिहास रचा है और इसके लिए पूरी पार्टी द्वारा एकजुटता से काम किया गया। और आज आपके इस मंच के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री देश के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को। एक ऐतिहासिक जीत पूरे देश पर, जहां नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ जीती है। और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश भर में जो एक असेसमेंट, एक आकलन था, हम उसको मान करके चल रहे थे कि आंकड़ा यहां तक पहुंचेगा, 350 तक पहुंचेगा, और लगभग वो आंकड़ा वहीं पर पहुंचा। और ये मुझे लगता है कि एक मजबूत सरकार को फिर से कायम करने के लिए देश की जनता ने जो समर्थन दिया है, जन समर्थन दिया है, देश की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और उससे बढ़ करके प्रदेश की जनता ने मतदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसके लिए भी मैं प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं इस संबंध में शिमला संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि वे इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और इसके कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि यह एक उम्मीद से ज्यादा संख्या से हमारी जीत हुई है। उन्होंने बताया कि इस संसदीय क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं, वे इनको हल करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हुई है और मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है और एक भारी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, निश्चित रूप से उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बढ़त आएगी। लेकिन जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश था और जिस प्रकार से मोदी जी की एक लहर चली थी, तो उससे इस बात का आभास होता था कि अच्छी लीड होगी, अच्छी जीत होगी। लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ऐसा मुझे आभास नहीं था। कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, निश्चित रूप से उनकी मेहनत का परिणाम है। और मैं अपने नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का, और विशेष मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका भी भारी सहयोग इस चुनाव में हमें मिला, मैं आपका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। और एक भारी जीत भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से दर्ज की है, क्योंकि आने वाले समय में जिसके बारे में हमने जो इस चुनाव को भी लड़ा है, और उन प्राथमिकताओं को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट।